एक कहावत है, जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। मोदी जी और येदुरप्पा जी पर ये कहावत लागू होती है, क्योंकि वो किसान के भी नहीं और इसीलिए किसी काम के भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल खुद की बात में, वो मन की बात तो है नहीं, खुद की बात में ये कहा कि किसान के मैं हक में काम कर रहा हूँ, और आज मुख्यमंत्री कर्नाटका ने भी ये बात दोहराई। एक सीधा सवाल ये है कि अगर आप किसान के हक में काम कर रहे हैं तो फिर किसान ने कर्नाटक बंद क्यों कर रखा? अगर आप किसान के हक में काम कर रहे हैं तो 62 करोड़ इस देश का किसान जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सारा किसान आंदोलित क्यों है? ये सड़कों पर क्यों है? 250 किसान संगठन सड़कों पर क्यों है? क्या हम सब बेवकूफ हैं और केवल मोदी जी और येदुरप्पा जी ही अकलमंद हैं? एक तो है, मैं नहीं कहूंगा, पर एक जरूर है, या हम सब हैं 62 करोड़ या वो है। मुझे लगता है कि किसान को बरगलाने का, जो भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, वो कभी कामयाब नहीं होगा।